तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गदरपुर के सुंदरपुर गांव में उस वक्त गांव वाले भड़क उठे जब तहसील प्रशासन की ओर से गांव में बने एक निजी स्कूल और मुख्य सड़क के समीप तालाब में मिट्टी खुदान का कार्य किया जा रहा था, जिसे देखकर ग्रामीणों ने जमकर तहसील प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तहसील प्रशासन बैरंग लौट गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई स्थानों व सरकारी तालाबों को भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे खाली कराने के लिए हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है, जिसके चलते तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी तालाब व जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसका सौंदर्यकरण या ठेके में देने का अभियान चला रखा है। उसी कड़ी में तहसील प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के कब्जे से तालाब को अपने कब्जे में लेकर उसका खुदान का कार्य कर रहे थे, जिसे देख कर ग्रामीण इकट्ठा होकर तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे देख कर तहसील प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि पहले के नक्शे में कुछ और था और आज के नक्शे में कुछ और है, हमें इसमें धांधली नजर आ रही है, और कहा कि पिछले 50 सालों से यहां पर स्कूल है और स्कूल के पास तालाब है और सुंदरपुर गांव का जो मुख्य मार्ग है उसके साथ लगा हुआ है, और अगर इस तालाब में मिट्टी का खुदान किया जाता है तो आने वाले बरसात में सुंदरपुर गांव का मुख्य सड़क टूट जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन द्वारा कर रहे खुदान कार्य का पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तालाब का खुदान न किया जाए। पुराना नक्शा कुछ और दर्शा रहा है और नए नक्शे में कुछ और दर्शाया जा रहा है तालाब को, भूमि बची है, अगर ये मिट्टी अगर खोद दी जाती है तो उससे एक तो ये होगा कि जो हमारे जो सुंदरपुर का मुख्य मार्ग है गांव में जाने का वो बाधित हो जाएगा सर। बारिश में ये मार्ग टूट भी सकता है, और एक चीज़ और है कि आए दिन जैसे छोटे बच्चे निकलते हैं यहाँ से आसपास से तो उनका डूबने का खतरा ही बना रहेगा। इसके जो पूरा गाँव विरोध कर रहा है, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। मैं कहता हूँ ये बड़वाई जी आए थे सुबह, हमें बताकर गए थे ये हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ है, पर मौजूदा में जो गांव इस गांव वाला जो हमारा पूरा गांव है सुंदरपुर गांव वो इससे सहमत नहीं है, पूरा गांव विरोध कर रहा है। उसके साथ साथ मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूं, ये कार्य नहीं होना चाहिए, यहीं पर रुकना चाहिए। जो मौजूदा हालत में जो ये तालाब है इसी का सौंदर्यकरण के हक में है पूरा गाँव। वास्तविकता ये है यहाँ पर भूमि है, आप भी देख लीजिए बगल में स्कूल है, स्कूल को भी ये तालाब के अंदर दर्शा रहा है, जबकि स्कूल कम से कम हमसे ज़्यादा पहले की है, 50 साल लमसम हो गया स्कूल को। यहाँ पर जो गांव में जब प्राइमरी स्तर के स्कूल भी नहीं थे तब हमारे चाचा लोग भी इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, और आज इसको जो है तालाब की भूमि दर्शाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और संपूर्ण गांव वाले इसके विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे भी है अगर ऊपर से सौंदर्यकरण के लिए कुछ प्रस्तावित है तो तालाब जिस जैसे हालत में है, जिस कंडीशन में है, उसके चारों ओर बंधवा के वो इसका सौंदर्यकरण करें। इससे हम गांव वाले के कोई आपत्ति नहीं है। हर जगह तालाब को पाट कर जो है भूमि बना दिया गया, लेकिन हमने अपने तालाब को संरक्षित रखा आज तक, और जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उसके ऊपर से जो भूमि हमारे ऊपर सुरक्षित है इसको भी खोदने की चेष्टा सरकार द्वारा या पता नहीं किस स्तर पर किया जा रहा है, जो कि हम गाँव लोग गाँव वाले सब विरोध करते हैं।